गर्व न कीजिए, कबीर गर्व न कीजिए, कबीर गर्व न कीजिए, कबीर गर्व न कीजिए। अस जो बन की आस, अस जो बन की तेसु फूला दिवस दस, तेसु फूला दिवस दस, खंखर भया पलास, खंखर भया पलास, खंखर भया पलास, खंखर भया पलास। कबीर गर्व न कीजिए, कबीर गर्व न कीजिए, कबीर गर्व न कीजिए, कबीर गर्व न कीजिए। ऊंचा देख आवास, ऊंचा देख आवास, ऊंचा देख आवास, आज काल पोई लेटना, आज काल पोई लेटना, ऊपर जमसी घास, ऊपर जमसी घास, ऊपर जमसी घास, ऊपर जमसी घास, ऊपर जमसी घास। कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने बड़े मकान को देखकर अभिमान मत करना, अपने ऊंचे मकान को देखकर अभिमान मत करना। क्यों? आज काल भूई लेटना, भूई माने जमीन, आज नहीं कल तू मरेगा और इस जमीन पर लेटेगा, और तुझको जो दफनाया मिट्टी ऊपर डाल दी गई और फिर एक दिन इसके ऊपर घास उग जाती। सोचिए कितना समय हो गया इस धरती पर, कितने मनुष्यों ने जन्म लिया है, कितने मनुष्य राजा महाराजा अमीर हुए और फिर मर गए, और फिर यहाँ दफनाया यहाँ दफनाया, कहाँ कहाँ हमने कब्रें नहीं बनाई, कहाँ कहाँ मनुष्यों को गाड़ा नहीं, मरे हुए इंसान गाड़ दिए गए, फिर उसी के ऊपर समय पा करके मिट्टी है ना, घास उग जाती और उस घास पर लोग चलते। तो हम इतना जो छाती चौड़ी करके कहते हम बड़े हम बड़े हम बड़े, एक दिन तेरे ऊपर घास जमेगी और लोग तेरे ऊपर चल रहे होंगे। एक जेन मास्टर शाम के समय पर अपने आश्रम को लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में कब्रिस्तान आया, वहां पर मुर्दों को दफनाते थे। तो वह अपने शिष्यों को कहते कि अगर हम बाहर से घूम के गए तो बड़ा लंबा चक्कर, तो अंधेरा ज्यादा हो जाए तो मुश्किल होगी, तो ऐसा करते हैं शमशान इसके कब्रिस्तान के अंदर से गुजर जाते हैं। चेलों ने कहा अरे शाम के समय कब्रिस्तान में जाना कोई अच्छी बात है? कहते मुर्दे बेचारे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जब जिंदे थे तभी कुछ कर सकते थे, अब तो वो कुछ नहीं कर सकते, सो डोंट वरी लेट्स गो। तो वो ग्रेवयार्ड से निकलते। हुआ यूं कि वहां पर कोई ताजा ताजा मुर्दा गाड़ा गया होगा, कुत्ते कोई वहां पर आ गए, कुत्तों को कभी कभी बड़ा शौक आता, वो मिट्टी खोदने लग जाते हैं। तो कुछ कुत्ते आ गए, ताजा मुर्दा गाड़ा था, कुत्तों ने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। मिट्टी खोदी तो लाश ऊपर ऊपर ही थी, उन्होंने उसको भी घसीट लिया। अब वो थी लाश एक सेनापति की जिसकी गर्दन कट गई थी। तो हुआ यूं कि सर आ गया बाहर, लाश धड़ भी आ गया बाहर, तो कुत्ते कुछ देर खेले वो तो भाग लिए। अब वो क्या समझे कौन है या कौन नहीं है, ये मुर्दे से ऐसे नहीं करते हैं या क्या करते हैं, कुत्ते को क्या समझ। अब इसी रास्ते से ये जैन फकीर आते हैं, तो उनके पैर उसकी खोपड़ी में लगा, तो नीचे देखते हैं अरे ये क्या है खोपड़ी,
तो उन्होंने ना ऐसे उस खोपड़ी को हाथ में उठा लिया और कहे, महाराज माफ़ कर दो, महाराज माफ़ कर दो, महाराज माफ़ कर दो। अब पहले तो ये दृश्य बड़ा डरावना कि कटा हुआ सर्व हाथ में लेके खड़े हो गए और ऊपर से कह रहे हैं माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। चेलों ने कहा, गुरुजी दिमाग खराब हो गया आपका, मरे हुए से माफ़ी मांग रहे हो। गुरुजी कहते, तुम्हें नहीं मालूम ये किसका सिर है? अगर कहीं ये सिर धड़ के साथ जुड़ा होता और हमारा पैर इसके सर पे लगा होता, ये हमारी गर्दन काट देता, ये इतना बड़ा आदमी था, तुम्हें नहीं मालूम ये बहुत बड़ा आदमी था, तो इससे माफ़ी मांगनी बड़ी ज़रूरी है। तो उसका सर पकड़, बोले माफ़ी दे दो हजूर, माफ़ी दे दो हजूर, माफ़ी दे दो। चेलों ने कहा, गुरुजी बहुत हंसी हो गई, छोड़ो अब इसको, निकलते हैं। कहते, भाई तुमको क्या लगा ये आम लोगों का कब्रिस्तान है, यहाँ सब राजा महाराजा लोग, बड़े बड़े लोग दफन हैं, अदब से निकलो, बहुत अदब से निकलो। पास थ्रू दिस ग्रेव यार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट बिकॉज ऑल द किंग्स एंड द चीफटेन्स आर बरीड हियर, दिस is not an ordinary graveyard, it is a very VVIP graveyard. And who are we? Just a common person, very common person. Be respectful, very respectful. All the disciples said, no need, they are dead now. No need to be scared, no need to be fearful. Master, leave his head, let's walk out. Don't create a scene, else somebody else might think we did something wrong to this dead body. Let's go out. And you know what? The master fell in love with this head. He said, I'm going to take this head with me. I said, are you crazy? He said, yes, I am. He took that head with him. And then he always kept that head with him. Why? Why? उसके शिष्यों ने पूछा, ये सर क्यों रखते हो? अब कुछ टाइम बाद वो ऊपर जो चमड़ी होती है, जो अंदर दिमाग, वो तो सब खत्म हो जाता है, खाली वो हड्डी का स्कल ही तो रह जाता है, खोपड़ी ही तो रह जाती है, और तो कुछ बचता ही नहीं है। तो वो खोपड़ी को लिए लिए घूमते रहे, जहां जाए ना तो सबसे पहले खोपड़ी को मेज पे सजा दे, यू सिट हियर, आई सिट हियर, एंड एवरीबडी वुड वंडर, दिस मंक हैज गॉन क्रेजी और व्हाट, व्हाई इज ही कीपिंग दिस स्कल? एंड ही वुड से, दिस स्कल इज गोइंग टू गिव द बेस्ट टीचिंग्स, एंड एवरीबडी वुड से, बट वी आर स्केर्ड। ही सेड, डोंट यू हैव अ स्कल हियर? आर यू विदाउट अ स्कल? खोपड़ी नहीं है तुम्हारे पास? बोले है। तो बोले, तुम्हारे पास खोपड़ी, यहाँ खोपड़ी, खोपड़ी से क्या डरना? कह रहे, नहीं ये तो खाली हड्डियाँ हैं। बोले, अंदर तुम्हारे भी तो हड्डी है खाली। एक दिन ऐसा आएगा जब चमड़ी नहीं रहेगी, दिमाग नहीं रहेगा, और ये हड्डी का जो ढांचा है, तो इससे क्या डरना? और ये सबसे अच्छा उपदेश है कि इस खोपड़ी को पहले दर्शन करो और देखो, एक दिन तुम्हारी भी हालत यही होने वाली है, राइट? कुछ वैराग्य अंदर आ जाएगा, फिर हम ज्ञान सुनाएंगे कि साधना करो, तो तुम भी पूछोगे, हाँ गुरुजी बताओ क्या साधना करें, क्योंकि हमको एक दिन यही होना है, डर लगता है मौत से कैसे बचें, ये हमें बताइए आप। अभी तो तुम्हें मौत ही याद नहीं है, कहाँ याद है, किसको याद है मौत? किसी को याद नहीं होती। हाँ, इससे संबंधित एक प्रश्न है मेरे पास। वो कहते हैं कि हमको मौत से डर नहीं लगता। सवाल है बबीता, कौन है? ओके, बबीता का प्रश्न है, खुद मरने से डर नहीं लगता, यदि रिश्तेदारों में कोई मृत्यु हो जाए तो समझ नहीं आता क्या कह के तसल्ली दें। क्या कहें? मैं समझ सकती हूँ इस बात को, क्योंकि होता है कि कई बार जैसे हमारे शिष्यों में कोई प्रेमियों में मर जाता है, तो मैं कहती हूँ कि भाई एक काम करो, उनको ना फ़ोन कर दो। तो हमारे शिष्य पूछते हैं, जी फ़ोन करके क्या कहें? ये कहें, बड़ा अफसोस हुआ
कि वो मर गए तो झूठ है ये बात, क्योंकि मरना तय है। जो उपजियो सो परे हो आज के, जो उपजा है वो बिनसेगा, जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा, ये तो नियम है। तो नियम को पालन किया है, इसमें अफसोस की बात कहां से हो गई? ये तो ऐसे हो गया, तुम जब यहां मंदिर से बाहर जाओ तो जो फर्स्ट आती है ना ग्रीन लाइट, हाँ, जब रेड लाइट आई, ट्रैफिक लाइट्स आई, आप रेड थी खड़े हो गए और फिर ग्रीन हुई और अब चले, तो आपको फिर तुम्हारे साथ जो बैठा है को पैसेंजर वो कहे जी बड़ी बधाई हो ग्रीन लाइट पे निकल गए आप, कैसा लगेगा? या आप रेड लाइट पे रुक जाएं और एक पुलिस वाला कोई आए और आके तुमको कहे कि वी विल गिव यू सम रिवॉर्ड बिकॉज यू स्टॉप्ड एट रेड लाइट, वुड दे डू दिस? नो नो, दे विल फाइन यू इफ यू क्रॉस इन द रेड लाइट, बट दे विल नॉट अवार्ड यू इफ यू स्टॉप एट रेड लाइट, राइट? Death comes, body has to go. Prana goes, body dies. It is a rule. Like it is a rule, you stop at red light and you move at green light. So it is a rule. When death comes, body dies. And when body dies, it is not an occasion of sadness or misery. It is a happening which was supposed to happen and it has happened. राइट पर अज्ञानी लोगों की ना शोक सभा होती है, चौथा, तेरवां, चालीसवां भगवान, और कोई काम नहीं रह गया, बैठे शोक मनाओ। शोक कोई नहीं होता, मुझे मालूम। एक आदमी हॉस्पिटल में था, डॉक्टर कहते जी अब मुश्किल है, मे बी फ्यू आवर्स ही इज गोइंग टू डाई, जाने वाला बस अभी ये। पत्नी कहती कैन यू होल्ड हिम फॉर 6 आवर्स और सो? ही सेड व्हाई? ही सेड आई हैव ऑर्डर्ड अ वाइट डिजाइनर साड़ी बिकॉज इफ ही डाई आई विल हैव टू वेयर अ वाइट साड़ी, आई डोंट हैव अ वाइट साड़ी, सो कैन यू होल्ड हिम फॉर 6 आवर्स, माई डिलीवरी इज कमिंग सून, फेडेक्स इज डिलीवरिंग इट, It's coming. He said, but I never said your husband will die today. How come you ordered? She said, anticipation. It seemed he might die, so I had already pre-booked a white sari for myself. I can't look bad when people come. I have to look nice. मौत हुई, मर गया, अब इसमें कहना क्या है? तो लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर क्या करते हैं? पंजाबियों का मुझे पता है, नॉर्थ इंडियंस का पता है, आई डोंट नो अबाउट अदर कम्युनिटीज, बट इन नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन इस एरिया में, तो अगर वो उसके बच्चे शादी कर चुके हैं तो वो कहते आज का खाना बड़ी लड़की के ससुराल से आएगा, कल छोटी लड़की के यहाँ से आएगा, परसों हमारे बुआ जी खाना देंगे, रात का खाना चाचा जी देंगे, और बैठ के मेन्यू डिस्कस हो रहा होता है खाने में क्या देना। 4 days of food party, आई हैव सीन इट, आई स्टिल रिमेंबर इन माई नेबर व्हेन आई वॉज इन माई हाउस, पड़ोस में एक की मौत हो गई, तो उन्होंने उनकी लास्ट ड्राइंग रूम में ऐसे रख दी जमीन पे, तो सारे मोहल्ले वाले सब चले गए, सब रो रहे हैं, तो इतने में ना बड़ा शोर मचता था, वो बुआ जी आ गए, बुआ जी आ गए, बुआ जी की जैसे ही गेट में एंट्री होती वो ऐसे दुपट्टा ना अपनी चुन्नी यूं खींच लेती मुंह पे, जोर जोर से रोती हुई, मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया, मैं राखी किसको बांधूंगी, पूरे डायलॉग्स बोलती रही वो। फिर बोल के ऐसे हो गई, क्या बुआ जी बेहोश हो गए, बुआ जी बेहोश हो गए, बुआ जी को पानी पिलाओ। अच्छा, फिर एक आधे घंटे बाद फिर वो वहीं बैठी बातें करी, अच्छा कितने बजे चाय लेके जाना है, अच्छा चाय कब मिलेगी, अच्छा वो उसके पैसे संभाल लिए थे, उसने हीरे की अंगूठी पहनी थी वो निकाल ली थी, अच्छा विल बनाया है उसने, नहीं वो बैठ के डिस्कस कर रही है विल बनी नहीं बनी,
इतने में फिर शोर मच गया, वो चाची आ गई, चाची का रोना शुरू। और मैं देख रही थी हो क्या रहा है, जो आए वो यूं खींचे। और बड़ी बड़ी आवाज, पंजाबी माएं जब रोती हैं ना तो माशाल्लाह रह रब दाना। तो खूब रोती हुई आए, बेहोश भी हो जाए, डॉक्टर को बुला लिया, ये हो गया वो हो गया। बट दो एक घंटे बाद सब दूसरे वाले कमरे में बैठ के चाय पी रहे हैं और दूसरे को चुप कराते, खाले खाले रोटी, जाने वाला चला गया, अब भूखी थोड़ी मरेगी, खाले खाले जाने वाला चला गया, चल अब तू चाय पी ले, हैं फिर जाना है शमशान को, फिर बड़ी देर हो जाएगी, फिर तू खाना कैसे खाएगी, खा ले तो वो दूसरी दिन उसको लड़ाई करेगी, तुमको खाना सूझ रहा है, मेरा भाई मर गया, तुझे खाना सूझ रहा है। थोड़ी देर में वो भी खा रही होती थी। व्हाट अ ड्रामा। और कई बार बाहर जो है वो भाई लड़ रहे होते थे कि इसने मेरे से 2 लाख रुपया लिया था, भाभी तुझे पता है ना 2 लाख मेरे देने हैं। अरे देन लेन डिस्कस हो रहा है, विल डिस्कस हो रही, ये सब चीजें चल रही हैं। सोचो वो मुर्दा जो पड़ा है इनकी बातें सुन सकता तो जरूर कफन उतार के कहता है बदतमीजो बंद करो, ये लड़ाई बंद करो, मुझे जलाने का उपाय करो, मुझे नहीं रहना यहां पर, कैसे लोग हो तुम। तो जो किसी के मृत्यु हो जाए और हम भी इसी चक्कर में पड़ जाते, क्या बोले, अब ये तो नहीं कह सकते कि बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे चले जंजीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे चले जंजीर। जन्मा है तो मरेगा, ऐसा तो नियम है, तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि कुछ ना कहा जाए। चूंकि जिसका मरा होता है वो बहुत दुखी होता है, उसको उस समय आप कहो जी ये तो सब नहीं मरना है एक दिन, वो आगे से सड़के कह सकता है जब तेरे मरेगा ना तब पूछूंगा तुझको, मुझे अभी कह रहे हैं सबने मरना है एक दिन। प्रॉब्लम ये है जिसके मरा होता है वो दुखी है, वो रो रहा है, सारे बाकी जितने लोग आएंगे अफसोस करने वो सब उपदेश देंगे, किसी ने नहीं रहना, सब ने चले जाना। यहाँ शुरू हो जाएंगे, वो मेरे चाचा जी थे ना मोगा वाले, वो भी चले गए। मेरा एक दोस्त होता था ना, उसको सेम ऐसे ही हार्ट अटैक हुआ था। ये दूसरों की कहानियां सुनाने शुरू कर देंगे, रोने वाला और जोर जोर से रोता है, बाकी लोग ज्ञान देंगे आत्मा अमर है, शरीर तो मर जाना है, आत्मा तो अमर है। कृष्ण भगवान कह गए थे गीता में हैं, आत्मा अमर है तो रोना काहे वास्ते, जो भगवान की मर्जी करो। अच्छा रोल रिवर्स, कुछ समय बाद जो अफसोस करने आया था उसके घर में मौत हो गई, अब ये जाएगा उसके, वो रोएगा, वो कहेंगे आत्मा अमर है, रोना काहे वास्ते, आत्मा अमर है, जो आया सो चल सी, सबको आई बार, सबने चले जाना है, रोने वाली कोई बात नहीं, धीरज रखो धीरज। ना उसके पास धीरज है ना इसके पास धीरज है, बट एक लोकाचार होती है, एक व्यवहार होता है और झूठ का व्यवहार होता है। इस विषय को समझना हो तो यूं समझना चाहिए कि इसके पहले हमारे श्वास निकल जावें हम अपने जिंदगी को सार्थक कर लें। ये भरोसा मत करें कि चूंकि हमारा बाप 80 में मरा था तो हम भी 80 साल तो जिएंगे ही जिएंगे, सबका प्रारब्ध अलग अलग है, सबका अलग अलग प्रारब्ध है। तो ये श्वास जिसे हम अरबी भाषा में इसे दम कहते, दम, ये श्वास, ये दम, आए जीवन,
नहीं आए, कब आएगी किसकी मालूम नहीं। तो जब तक शरीर में श्वास चल रही है, हो सके तो उस प्रभु को याद करो, उसका स्मरण करो, उसके प्रेम के गीत गाओ, मन की सुरत उसके साथ जोड़ो, यही उत्तम है। पर हम यही काम नहीं करना चाहते क्योंकि भी हमको बाकी सब भोग की चीजें चाहिए ना, हम कौन बैठ के स्मरण करे। दुनिया के सब काम इंपॉर्टेंट है, कौन समय निकाल के स्मरण करे, तो हम वो नहीं करते। प्यार से इसको श्रवण करिए, ये पंजाबी में है भजन, कि दम दा परोसा यार, दम आवे ना आवे। क्या भरोसा करें इस श्वास का, आवे और अगला ना आए तो हम कुछ नहीं कर सकते। आ रल मिल कर ये याद, आओ मिलजुल करके सत्संगियो, प्रभु को याद करें, दम आवे ना आवे। तो जब तक है तब तक हमारी सूरत लगी रहे उसमें।
साथ तेरा कीमती खजाना पाल जेड़ा लंग गया मुड़े नहीं आना पाल जेड़ा लंग गया मुड़े नहीं आना आ पल पल करिए परोसा यार दम आवे ना